इस वीडियो में बीमारी के सारे क्वेश्चन आंसर है। इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Q.1 बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी, डी विटामिन B12। सही उत्तर बी विटामिन B1। Q.2 स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। सही उत्तर सी विटामिन सी। Q.3 कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ए जुकाम, बी घेंघा, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी लेप्रसी। सही उत्तर बी घेंघा। Q.4 टर्नर सिंड्रोम होता है? ए XO, बी XX, सी XXY, डी XYY। सही उत्तर ए XO। Q.5 हीमोफीलिया रोग है जो ए आनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न है, बी कैल्शियम की कमी से होता है, सी रुधिर की कमी से होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए आनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न है। Q.6 प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, डी फफूंदी। सही उत्तर ए जीवाणु। Q.7 वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ए WM स्टैनले, बी YK.M स्मिथ, सी डी LWNOWSKI, डी EC स्टैकमैन। सही उत्तर सी डी LWNOWSKI। Q.8 जीवाणु की खोज की थी? ए AV LEUWNHOEK, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच, डी लुईस पास्टर। सही उत्तर ए AV लीवन हुक। Q.9 जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि ए इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, बी वह गति नहीं करते हैं, सी सभी जगह उपस्थित होते हैं, डी विखंडन फिशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। सही उत्तर ए इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। Q.10 वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ए इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, बी यह संख्या में बढ़ सकते हैं, सी इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी यह संख्या में बढ़ सकते हैं। Q.11 वायरस रोग है? ए इन्फ्लुएंजा, बी डिप्थीरिया, सी टाइफाइड, डी हैजा। सही उत्तर ए इन्फ्लुएंजा। Q.12 वायरस होते हैं? ए एक कोशिकीय, बी अकोशिकीय, सी बहुकोशिकीय, डी स्वतंत्र जीव।
सही उत्तर बी अकोशिकीय। Q.13 एड्स का कारण है। ए रुधिर कैंसर, बी जीवाणु, सी TMV, डी HTLV-II। सही उत्तर डी HTLV-II। Q.14 गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। ए आयोडीन, बी लौह, सी कैल्शियम, डी पोटेशियम। सही उत्तर ए आयोडीन। Q.15 बैक्टीरियोफेज है। ए वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, बी जीवन जो पादप कोशा पर भक्षण करता है, सी जीवाणु अंगक, डी जीवाणु जो प्राणी कोशा भक्षण करता है। सही उत्तर ए वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। Q.16 बैक्टीरियोफेज में होता है। ए केवल प्रोटीन्स, बी कार्बन और नाइट्रोजन, सी न्यूक्लियोप्रोटीन्स, डी DNA। सही उत्तर डी DNA। Q.17 प्रथम विषाणु के खोज करता है। ए इवानोवस्की, बी लैंडस्टेनर, सी मिलर, डी बिजेरिंग। सही उत्तर ए इवानोवस्की। Q.18 सबसे बड़ा विषाणु है। ए पोक्स विषाणु, बी हर्पीज विषाणु, सी सार्कोमा विषाणु, डी ट्यूमर विषाणु। सही उत्तर ए पोक्स विषाणु। Q.19 विषाणु होते हैं। ए आंशिक मृतजीवी, बी पूर्ण परजीवी, सी पूर्ण मृतजीवी, डी आंशिक परजीवी। सही उत्तर बी पूर्ण परजीवी। Q.20 मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम खोजा था। ए रोनाल्ड रॉस, बी वॉन बियर, सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी सेलीने। सही उत्तर ए रोनाल्ड रॉस। Q.21 ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक है। ए लाउस, बी सैंड मक्खी, सी शीशी मक्खी, डी फायरफ्लाई। सही उत्तर सी शीशी मक्खी। Q.22 काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है। ए जियाड्रिया, बी ट्रिपैनोसोमा, सी मोनोसिस्टम, डी लिश्मानिया। सही उत्तर डी लिश्मानिया। Q.23 मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। ए लौंग से, बी लाल चींटियों से, सी सिंकोना की छाल से, डी तुलसी की छाल से। सही उत्तर सी सिंकोना की छाल से। Q.24 मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। ए यकृत कोशिकाओं पर, बी श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, सी मांसपेशियों की कोशिकाओं पर, डी तंत्रिका कोशिकाओं पर। सही
उत्तर ए यकृत कोशिकाओं पर। Q.25 निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? ए कोलेक्स फाइलेराइसिस, बी ग्रह मक्खी पीतज्वार, सी सैंड फ्लाई प्लेग, डी पैरामीशियम अमीबाइसिस। सही उत्तर ए कोलेक्स फाइलेराइसिस।